Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, today we are starting with the topic called circumstances relating to possibility of fraud. Yes, चार circumstances है. पहला तो discrepancies है, कुछ accounts में discrepancies है records में. दूसरा circumstances fraud के हो सकते हैं missing evidence, ठीक है. तीसरा circumstances हो सकता है unusual relation between auditor and client, और चौथा other. तो हम इन चारों part को समझेंगे guys. एक तो discrepancies को अलग से समझेंगे with the example. सर आप मेरे स्क्रीन पीछे स्क्रीन पे देख सकते हो, चार पार्ट है. डिस्क्रिपेंसी वाला पार्ट है, उसके बाद मिसिंग एविडेंस वाला पार्ट है, उसके बाद अनयूजुअल रिलेशन विद द क्लाइंट वाला पार्ट है, उसके बाद अदर पार्ट है. हम एक एक पार्ट को अच्छे से समझने जा रहे हैं, जरा ध्यान देना. यस, डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ. मैं क्या बात कर रहा हूँ सर? डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड. सबसे पहले बात कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन डेट नॉट रिकॉर्डेड इनकम्प्लीटली. आपने कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीटली नहीं रिकॉर्ड किया, बोलो ये प्रॉब्लम्स है. यस, डिस्क्रिपेंसीज है. दूसरा अनऑथराइज अनसपोर्टेड ट्रांजेक्शंस, लास्ट मिनट कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो ये सबको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिपेंसीज. उसके बाद हम सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं मिसिंग एविडेंस. मिसिंग उसमें मिसिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मिसिंग है गाइस. आप समझ रहे हो बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ? डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अच्छे से समझो गाइस. डॉक्यूमेंट मिसिंग है, प्रॉपर सफिशियंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. देखो हमने चार पार्ट देखा था, वेरी क्लियर, हमने चार पार्ट देखा था. तो हमने सबसे पहला पार्ट क्या देखा था, उसका एग्जांपल दो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. सेकेंड पार्ट हमने देखा मिसिंग एविडेंस. मिसिंग एविडेंस भी क्या लिख देना, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रॉपर सफिशियंट एविडेंस नहीं है, ठीक है. मतलब कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, वेरी क्लियर है. हम बात कर रहे हैं अनयूजुअल रिलेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड ऑडिटर्स. देखो हम ऑडिटर्स हैं, इसमें भी आप एग्जांपल देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे सामने. सर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन चेक करना है, मैनेजमेंट ना बोल रहा है. मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैनेजमेंट ना बोल रहा है. मतलब हमको इन्फॉर्मेशन कोई, हम आईटी रिकॉर्ड चेक करने जा रहे, मैनेजमेंट ना हमको बोल रहा है. एंड अदर में आप क्या लिख सकते हो, अनविलिंगनेस बाय मैनेजमेंट टू परमिट. हाँ मेरे को कोई चीज़ें चेक करना है, मैनेजमेंट मुझे परमिट नहीं करने दे रहा, ठीक है गाइस. मतलब अगेन एंड अगेन चेंजेस हो रहा है, रूल दैट इज प्रिंसिपल बार बार कुछ चेंजेस कर रहा है, तो ये सब रीजन है गाइस. मतलब सिंपल सा टॉपिक है, आप एक बार देख लेना, इसके अंदर रीजंस लिख देना, चारों पॉइंट में वो रीजंस आ जाएंगे, ठीक है गाइस. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज इकेडा.